नमस्कार मैम, सिट्रोइन में आपका स्वागत है। ये जो कार मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये न्यूली लॉन्च सिट्रोइन की तरफ से फिफ्थ मॉडल है इनका इंडिया में। बसॉल्ट नाम दिया हुआ है इसको, और ये इनके सी क्यूब प्लेटफॉर्म पे डेवलप्ड फिफ्थ मॉडल है सिट्रोइन की तरफ से। ये जो वेरिएंट मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ, ये वेरिएंट मैक्स वेरिएंट है, जो कि इसका टॉप एंड वेरिएंट है। और इसमें तीन वेरिएंट इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। और इंजन की बात करूँ तो इंजन इसमें 1.2 इनका सबसे वर्ल्ड फेमस इंजन है, अवार्ड विनिंग इंजन है 1.2 प्योरटेक के नाम से। दो इंजन ऑप्शन इसमें आपको दिए हुए हैं, एक तो 1.2 82 bhp के साथ में नेचुरल एस्पिरेट इंजन, और अगर आपको पावर की नीड है तो इनका टर्बो चार्ज इंजन भी काफ़ी फेमस है, 1.2 टर्बो में है, जो कि आपको पावर प्रोड्यूस करेगा 110 PS की। और टॉर्क रेशो सेगमेंट में सबसे बेस्ट है, 190 Nm का टॉर्क, ठीक है। इसके फ्रंट फेशो की बात करूँगा मैम, तो इसका शेवरॉन लोगो, जो कि काफ़ी आकर्षक आपको दिखता है, सिट्रोइन की पहचान। और ग्रिल को अगर आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पे क्रोम फिनिश का यूज़ किया हुआ है, जो कि इसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा इन्हेंस करता है, इसके फ्रंट फेशियो को। और जो ग्रिल का डिज़ाइन दिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड डिज़ाइन दिया हुआ है, जो कि एयर इनटेक में काफ़ी अच्छा इंजन को कूलिंग में काम आता है मैम। सिट्रोइन ने इस प्रोडक्ट के साथ में कुछ बदलाव भी किए हैं, बदलाव कह लीजिए या फिर कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी और ज़्यादा बढ़ा दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कस्टमर्स की शिकायत थी कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं बसाल्ट के साथ में, जो कि LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स रहेंगे हमारे। और वही क्रॉस पैटर्न में आपको LED DRL डे टाइम रनिंग लाइट भी ऑफर हो ही रही है सिट्रोइन की तरफ से। और नीचे आप देखेंगे फोग लैम्प की प्लेसमेंट दी हुई है यहाँ पे, ये आपका हेलोजन में रहेगा, जो कि फोगी टाइम पे फोगी एरिया में आपको ज़्यादा मदद करेगा। साइड से दिखाना चाहूँगा मैम आपको कार। अभी जो आप टायर सेक्शन देख रहे हैं मैम, टायर सेक्शन जो इन्होंने बसाल्ट में यूज़ किया हुआ है, 205/60 R16 का टायर सेक्शन इन्होंने यूज़ किया हुआ है, जो कि काफ़ी चौड़े टायर, यानी कि इनकी जो ग्रिप है टायर्स की काफ़ी अच्छी रोड पे रहेगी, जिससे कि आपकी कार को और ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है। और ये जो आप व्हील आर्च देख रहे हैं यहाँ पे, व्हील आर्च में काफ़ी अच्छा खासा गैप दिया हुआ है, ये मदद करेगा आपका ऑफ रोडिंग में, क्योंकि ऑफ रोडिंग में जब आप इसको चलाएंगे तो काफ़ी अच्छा खासा गैप आपको मिल जाएगा, और हवा का जो रोटेशन होता है हायर स्पीड पर, उसका रोटेशन भी इजीली हो जाएगा, मतलब इसका जो नॉइज़ बनता है एयर का, वो आपके केबिन के अंदर नहीं जा पाएगा। सेकेंडरी में मैं आपको दिखाना चाहूँगा वाइप पैक यूज़ किया हुआ है मैक्स वेरिएंट में। वाइप पैक में आपका साइड में क्लैडिंग्स आ जाती हैं, जो कि इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। और ये जो ORVM ग्लास है, ORVM ग्लास पर ही आपको इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। और ये जो ORVM पे पेंट यूज़ किया हुआ है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में यूज़ किया हुआ है, जो कि इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा इन्हेंस करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा बी पिलर है, कार का बी पिलर भी इन्होंने ब्लैकिश टाइप में यूज़ किया हुआ है, जो कि इसको और ज़्यादा स्पोर्टीनेस प्रदान करता है। इसके अलावा जिसके लिए फेमस हुई थी ये कार, हमारा कूपे डिज़ाइन, स्लोप में आप देख सकते हैं कूपे डिज़ाइन दिया हुआ है, जो कि अधिकतर आपने देखा होगा BMW X6 और Mercedes AMG की कारों में आपको दिखता था, लेकिन अफोर्डेबल प्राइस में सिट्रोइन अपने इस प्रोडक्ट के साथ में कूपे डिज़ाइन आपको अवेलेबल करा रही है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा मैम, इसका जो टैंक है, 45 लीटर का टैंक दिया हुआ है, जो कि आपको काफ़ी लॉन्ग ड्राइव में काफ़ी फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा। पीछे से दिखाना चाहूँगा मैम, ये जो आप इसका टेल लैम्प देख रहे हैं, टेल लैम्प काफ़ी आकर्षक रखा हुआ है, इसे 3D टेल लैम्प नाम दिया हुआ है सिट्रोइन की तरफ से, जो कि आपको इसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है बैक साइड को। और बैक साइड में वही हमारा शेवरॉन का लुक, जो कि काफ़ी आकर्षक, दूसरी कारों से काफ़ी आकर्षक दिखता है। यहाँ पे आपको सिट्रोइन की बैजिंग दिख जाएगी, जो कि काफ़ी आकर्षक दिखती है, और यहाँ पे हमारे बसाल्ट का लोगो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके अलावा पीछे मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे दो सेंसर्स आपको, पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं, और जो पीछे का ग्लास पैनल आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको डिफोगर की लाइंस दी हुई है, जो कि फोगी टाइम पे आपको जो भी फोग जम जाता है उसको हटाने में आपका हेल्प करेगा। और कई कूपे कार्स में अभी भी कई कूपे कार्स ऐसी आ रही हैं जिनमें
हाई माउंटेड स्टॉप लैंप नहीं आ रहे हैं, लेकिन बसाल्ट में आपको वो भी ऑफर किया जा रहा है, क्योंकि ये मैक्स वेरिएंट है, तो मैक्स वेरिएंट में आपको शार्क फिन एंटीना भी मिल जाएगा। अब मैं आपको इसका बूट एरिया दिखाना चाहूँगा। ये देखिए मैम, बूट एरिया काफ़ी शानदार निकाला हुआ है, 470 लीटर का बूट एरिया आपको ऑफर कर रही है सिट्रॉइन। और ये जो लंबर सपोर्ट आप देख रहे हैं सीट का, ये भी अगर आपको और ज़्यादा बूट की आवश्यकता पड़ रही हो तो इसको भी आप टम्बल डाउन कर सकते हैं काफ़ी इजीली। और इसको बंद करने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हैं। आइए मैम, वही क्लासिक वाले इसमें जो डूर हैंडल यूज़ किए हुए हैं, क्लासिक डूर हैंडल जो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, वही क्लासिक डूर हैंडल का यूज़ किया हुआ है। और एक छोटा सा रेड एलिमेंट यहाँ पे यूज़ किया हुआ है जो कि इसके स्पोर्टिनेस को और ज़्यादा बढ़ा देता है मैम। अब आप इसमें पीछे बैठ के देखिए, आपको दिखाना चाहूँगा बैठ के देखिए। बैक का जो लंबर सपोर्ट आपको दिया हुआ है काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, कूपे डिज़ाइन ज़रूर है लेकिन कूपे डिज़ाइन होने के बावजूद हेडरूम जो आप देखेंगे, हेडरूम काफ़ी सफिशिएंट दिया हुआ है, काफ़ी बढ़िया दिया हुआ है। और इसके जो एड्रेस एयर जैसे हेडरेस दिए हुए हैं जो कि आपके आराम को और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है, काफ़ी आरामदायक लगेगा आपको ये। और जो इसका थाई सपोर्ट आप देख रहे हैं दूसरी कारों की अपेक्षा काफ़ी अच्छा है। और नी रूम जो आप देख रहे हैं काफ़ी बेहतरीन नी रूम प्रोवाइड करी सिट्रॉइन इस सेगमेंट की कार्स में। और ये रियर एसी वेंट दिया हुआ है मैम आपके और ज़्यादा कंफर्ट के लिए। और जो नीचे आप देख रहे हैं दो फास्ट चार्जिंग पोर्ट दिए हुए हैं सी टाइप चार्जर के लिए, और आपके और आराम के लिए आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा विद टू कप होल्डर और एक मोबाइल होल्डर के साथ में। आइए, अब ड्राइविंग सीट में बैठी मैम। इसके जो ड्राइविंग सीट है मैं आपको बता दूं, 8-way एडजस्टेबल है, आप इसको आगे और पीछे भी कर सकते हैं, लंबर सपोर्ट भी आपका आगे और पीछे हो जाएगा आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। और इसमें सीट हाइट एडजस्टेबल भी दिया हुआ है, अगर आप अपनी ड्राइविंग हाइट के हिसाब से इसे ऊपर और नीचे भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टेयरिंग व्हील है मैक्स वेरियंट में स्टेयरिंग व्हील लेदराइट दिया हुआ है जो कि आपको काफ़ी जो ग्रिप है काफ़ी अच्छी प्रदान करेगा। स्टेयरिंग व्हील मैं आपको बता दूं, यहाँ से टिल्ट भी दिया हुआ है जो आप इसको अप एंड डाउन भी करा सकते हैं। इसके अलावा MID मीटर पर आता हूँ सबसे पहले, MID मीटर जो है 7-inch का दिया हुआ है। इस डिस्प्ले में आप 3 मोड्स दिए हुए हैं, 3 टाइप से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। और MID मीटर को कंट्रोल करने के जो स्विचेस हैं वो आपके स्टेयरिंग व्हील पर दिए हुए हैं। और राइट साइड पर आप देखते हैं तो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम को हैंडल करने के स्विचेस दिए हुए हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम की मैं विशेषता बता दूं, 10-inch का इंफोटेनमेंट सिस्टम सिट्रॉइन यूज़ कर रहा है अपने प्रोडक्ट में। और इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की फैसिलिटी वायरलेस दी हुई है। इसके अलावा बताना चाहूँगा, क्योंकि ये मैक्स वेरियंट है तो मैक्स वेरियंट में जो गेयरबॉक्स दिया हुआ है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आ रहा है। और अपग्रेडेशन के शुरुआत में इन्होंने अपने जो एसी सिस्टम है उसको भी ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम में परिवर्तित कर दिया है। एक और शुरुआत जो सिट्रॉइन ने अपनी चेंजिंग में करी हुई है की फ्लिप की इंट्रोड्यूस कर दी है। अब आप इसको लगाइए मैम। हाँ लगा दीजिए, कूलिंग होने में 1 मिनट का समय लेता है। और फर्स्टिंग सेगमेंट एसी प्रोवाइड कर रहा है मैम जो कि 13 टेम्परेचर तक जा सकता है मिनिमम। आपने देखा होगा अधिकतर कार्स में 18 डिग्री के बाद में उससे नीचे नहीं जाता, तो इसीलिए हमारा जो एसी है इसको ट्रॉपिकलाइज्ड एसी नाम दिया हुआ है जो कि बहुत ही फास्ट कूलिंग करता है।
सिस्टम के बारे में बताना चाहूँगा। 10 इंच सिस्टम दिया हुआ है। सिट्रोएन अपना सिस्टम खुद डेवलप कर रहा है मैम, जो कि लैग होने की समस्या जैसे दूसरी कार कंपनीज में आती है इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की फैसिलिटी वायरलेस दी हुई है। आपको जो वायर का जाल भिज जाता है, जो कभी कभी काफ़ी बुरा लगता है हमें, उससे आप बिल्कुल फ्री रहेंगे मैम। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले तो है, सिट्रोएन माई सिट्रोएन कनेक्ट ऐप के ज़रिए आप अपनी कार को ऑपरेट भी कर सकते हैं। आप अगर मान लीजिए गर्मी के टाइम पे आपको कहीं पे निकलना हो तो आप अपने घर पे बैठकर ही अपनी कार को ऑन करके एसी ऑन कर सकते हैं। जब तक आप अपने घर से कार के अंदर आएंगे तब तक आपकी कार पूरी कूल हो चुकी होगी मैम। तो ये आप माय सिट्रोएन कनेक्ट ऐप के ज़रिए फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बताना चाहूँगा, स्टीयरिंग व्हील जो है काफ़ी कॉम्पैक्ट रखा हुआ है, 360 डिग्री ये आसानी से मूव हो जाता है। और आगे की सीट का भी कंफर्ट जो आप देख रहे होंगे, थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा रखा हुआ है। और आप आगे अब आप देखें तो गर्ल्स को, खासकर गर्ल्स और वुमेंस को काफ़ी दिक्कत होती है आगे देखने में। आप देखिए बोनट, इसमें बोनट अगर पूरा दिख रहा है आपको, तो ये सिट्रोएन की कार की विशेषता है कि ड्राइविंग परफॉर्मेंस में आपको कोई कमी नहीं नहीं करेगा। यहाँ पर ग्लो बॉक्स दिया हुआ है जो कि काफ़ी डीप दिया हुआ है। ये देखिए मैम, काफ़ी डीप एरिया दिया हुआ है, काफ़ी थिंग्स आप अपने इसमें रख सकते हैं। छोटा सा स्पेस आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कॉइन्स वगैरह या पेन वगैरह अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मोबाइल होल्डर दिया हुआ है जो कि आपकी काफ़ी रीच पे है, आपको ज़्यादा परेशानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहाँ पे कुछ रखने के लिए। इसके नीचे कुछ छोटा सा स्टोरेज एरिया भी प्रोवाइड किया हुआ है, और अगर आप वायरलेस मोबाइल चार्जर की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं, वो भी ऑप्शन दे दिया है सिट्रोएन ने अब इसके साथ में। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस आपको मिल जाएगा। और एक और चीज़ जो अब सिट्रोएन ने अपनी कार्स में कर दी है, आर्मरेस्ट की सुविधा आपको बसाल्ट में मिल जाएगी। इसको आप स्लाइड भी कर सकते हैं आगे और पीछे, और थोड़ा सा स्टोरेज एरिया भी यहाँ पर आपको दे दिया है सिट्रोएन ने। ये देखिए, अब मैं आपको हुड के अंदर की पावर दिखाना चाहूँगा जो कि सिट्रोएन यूज़ कर रहा है। मैम ये इंजन 1.2 लीटर का यूज़ करता है सिट्रोएन अपनी कार्स में, प्योर टेक के नाम से, जो कि अवार्ड विनिंग इंजन है इनका। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दो इंजन यूज़ कर रहे हैं। नेचुरल एस्पिरेट इंजन में आपको 82 BHP पावर और 115 का टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है इंजन, जो कि काफ़ी अच्छा पावर उसे दे रहा है। और ये जो इंजन आप देख रहे हैं मैक्स वेरियंट में जो यूज़ किया हुआ है, टर्बोचार्ज इंजन है। टर्बोचार्ज इंजन का 110 PS की पावर और 190 Nm का टॉर्क आपको प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि इस कार का जो व्हील बेस है 2651 mm का व्हील बेस प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आपको स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, जो कि आपने अंदर भी देखा है। और इंजन को भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिल गया है, जिससे कि इसका NVH लेवल और ज़्यादा कम हो गया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा सेफ्टी फीचर के बारे में। हम सेफ्टी फीचर में इन्होंने 6 एयरबैग तो इंट्रोड्यूस कर ही दिए हैं, जो कि बेसिक वेरिएंट से ही प्रोवाइड कर रहा है सिट्रोएन बसाल्ट के साथ में। और जो चेसिस और इसकी जो मोनोकॉक बॉडी है, अब सिट्रोएन बसाल्ट के साथ में 85% हाई स्ट्रेंथ का स्टील यूज़ कर रहा है, जो कि आपकी कार की स्ट्रेंथ को और ज़्यादा मजबूत कर देता है। इसकी गुणवत्ता को आप अगर परखना चाहें तो आप मैम एक बार इसको उठा के देखिए। ये देखिए मैम, काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई है पहले से कार, और इसका जो क्रम्पल जोन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है पहले से, जो कि आपका केबिन एरिया है उसको काफ़ी ज़्यादा सेफ रखता है।